हेलो दोस्तों, इंद्रिया एक्चुअली में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्रम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मसालेदार टेक न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी A70s को जो है इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो एक इन्फिनिटी यू शेप डिस्प्ले के साथ आएगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh की बैटरी, जो 25 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को जो है सपोर्ट करेगा। प्राइस भी काफ़ी अग्रेसिव कंपनी ने रखा है, 29,000 रुपये में जो आपको मिलेगा। साथ में ब्रांड वैल्यू तो आपको मिलता ही है और स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा जो है दिया हुआ है। तो अगर आप ये फ़ोन खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो। काफ़ी अच्छा फ़ोन जो है कंपनी ने निकाला है। दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो का K5 जो चाइना के अंदर 10 अक्टूबर को जो है लॉन्च होगा और इस फोन के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। साथ में इसके अंदर जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो इसके अंदर सोनी का GW1 सेंसर लगा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कैमरा क्वालिटी आपको ओप्पो K5 के अंदर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ में आपको लो नाइट जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगी। ये 4000 mAh की बैटरी के साथ आएगा। इसके अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा 30 वोल्ट, जो 4.0 को जो है सपोर्ट करता है। प्रोसेसर में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर जो है आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल प्राइस के बारे में कोई भी बात नहीं है। अभी फिलहाल चाइना के अंदर लॉन्च होगा, बाद में जो इंडिया के बारे में पता चलेगा। तीसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है सामी की तरफ से, सामी का A.2 जो कंपनी ने अनाउंस कर दिया है चाइना के अंदर, जिसकी प्राइस रखा है 4000 रुपये। 4000 में काफ़ी बढ़िया जो आपको ये वायरलेस हैंड्स फ्री एयरपोर्ट्स आप कह सकते हो, जो एप्पल के एयरपोर्ट्स देखने को मिलते हैं, कुछ उस तरह से ही आपको सेम टू सेम जो है डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक जो है सेम देखने को मिलेगी। और जो बैटरी बैकअप आपको मिलेगा टोटल 14 आवर, 14 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप मिलेगा। 4 घंटे का जो आपको A.2 का आपको मिलेगा और 10 घंटे का जो मतलब उसका केस रहता है वो भी एक पावर बैंक की तरह ही काम करता है। तो टोटल आपको 14 घंटे का जो है बैटरी बैकअप जो है मिल जाएगा कंटिन्यूसली अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा है। प्राइस भी काफ़ी अच्छा रखा है अगर आप इसे खरीदना चाहो। फिलहाल जो इंडिया के लिए कोई भी खबर नहीं है, लेकिन तब भी जो है आप बाहर से भी आप खरीद सकते हो। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे जो है लिंक दे दूंगा। चौथी जो न्यूज़ निकल के आ रही है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो भी काफ़ी एक अच्छी कंपनी है और उन्होंने इस बार जो है टेक्नो स्पार्क 4 को जो है इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो 3 GB और 4 GB मतलब दो वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा। साथ में इसके अंदर डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, 13+2 मेगापिक्सल का सेटअप जो है इसके अंदर दिया हुआ है। सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको इस फ़ोन के अंदर नहीं मिलता। और प्राइस भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा रखा है इस बार, 8000 रुपये। फिलहाल जहाँ भी जो है फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज चल रहा है और अमेजॉन पे जो है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, तो मतलब बड़े बड़े भी फ़ोन भी काफ़ी कम प्राइस में जो आपको मिल रहा है। 8000 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी आपको जो है मिल जाता है। मैंने अभी रेडमी 7 जो ऑर्डर दिया लगभग 6000 रुपये में, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इससे तो काफ़ी बढ़िया है। तो इस बार जो है आप इसे मतलब इग्नोर कर सकते हो इसका टेक्नो स्पार्क 4 को। हालांकि टेक्नो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और भी मतलब इसके बजट फोन भी काफ़ी जो मतलब कम प्राइस में काफ़ी अच्छा जो है फ़ोन मिल जाता है, तो फिलहाल आप इसको जो है स्किप कर सकते हो। पांचवी जो न्यूज़ निकल के आ रही है सौमी की तरफ से, सौमी का MI 9 का सक्सेसर MI 9 Pro जो है चाइना के अंदर जो है लॉन्च हो गया है। ये जो फ़ोन है इसके अंदर आपको 12 GB RAM, 512 GB जो है आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी। साथ में इसके अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855+ का जो है प्रोसेसर दिया हुआ है और ये 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ जो है आएगा। 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 45 वोल्ट का जो है आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और 30 वोल्ट का जो है फास्ट चार्जिंग आपको वायरलेसली जो है आपको मिलेगा। जो प्राइस कंपनी ने रखा है वो 37,000 रुपीज़ है। ये फिलहाल इंडिया में जो है लॉन्च नहीं होगा, अभी इंडिया के लिए कोई भी खबर नहीं है, लेकिन बाहर आपको मिलेगा। आप बाहर के जो ट्रस्टेड साइट से वहां से भी आप खरीद सकते हो अगर खरीदना है तो, जैसे कि gearbest.com, banggood.com, aliexpress.com, ये सब मतलब ट्रस्टेड सेलर को भी आपको ध्यान में रखना होगा। सेलर को भी अच्छा चूज़ करके जो है आप ये फ़ोन को जो है बाहर से मंगवा सकते हो। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, हालांकि 37,000 रुपीज़ में आपको इंडिया में भी काफ़ी अच्छा जो है फ़ोन मिल जाता है। छठी जो न्यूज़ निकल के आ रही है नूबिया की तरफ से, नूबिया का G20 जो मैंने आपको पहले भी टेक न्यूज़ के अंदर बताया था कि उन्होंने जो है ड्यूअल स्क्रीन स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर दिया है। और ये जो फ़ोन जो है चाइना में तो लॉन्च हो गया है, अब जो है बाकी के कंट्रीज़ के लिए 14 अक्टूबर को जो है लॉन्च होगा। US, UK, कैनेडा, यूरोप में जो है ये फ़ोन जो है 14 अक्टूबर को जो है लॉन्च होगा। एकदम ड्यूअल स्क्रीन फ़ोन है, काफ़ी अच्छा है, स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी जो है आपको मिल जाती है। परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी बढ़िया जो है इसके अंदर दिया है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको इस फ़ोन के अंदर।
और लास्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वन प्लस को लेकर, वन प्लस 70 तो इंडिया में लॉन्च हो गया है और काफ़ी ज़्यादा मतलब बिका है ये फ़ोन, काफ़ी क्रेज़ बढ़ गया है वन प्लस को लेकर। और हालांकि वन प्लस काफ़ी अच्छी कंपनी है, वन प्लस जो कंपनी है मतलब जैसे कि एप्पल कंपनी किस तरह से है, एकदम अलग टाइप का है, एकदम प्रीमियम लेवल में है एप्पल है, तो वन प्लस भी जो है एंड्रॉयड मार्केट में सबसे नंबर वन पर है। एकदम प्रीमियम लेवल के जो फ़ोन आते हैं वन प्लस के ही आते हैं। तो वन प्लस 70 काफ़ी अच्छा काम किया है कंपनी ने, काफ़ी अच्छा अपग्रेड भी किया है मतलब प्रोसेसर के मामले में, कैमरा के मामले में, डिज़ाइन के मामले में, फास्ट चार्जिंग को भी काफ़ी अच्छा जो है कंपनी ने ध्यान रखा है। तो इस बार जो है 70 प्रो जो है आने वाला है, काफ़ी जल्दी जो है कंपनी तैयारी भी कर रही है, उसके अंदर आपको आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी वाला 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट तो आपको मिलेगा, साथ में आपको जो पिक्सल डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी जो है देखने को मिलेगी। अगर सेल्फी कैमरा जो पॉपअप वाला दे दे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप नए हो हमारे चैनल के, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि न्यू टेक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे ऐसी नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी टेक।